खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। 13 जुलाई 2023 के दिन इस बार बन रही है कामिका एकादशी। जी हाँ मित्रों, श्रावण के महीने की सबसे पहली एकादशी, जिसका ज्योतिष शास्त्र में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण विधान होता है। दोस्तों इस बार श्रावण में कुछ ऐसे अद्भुत और महासंयोग बन रहे हैं, जिसमें श्रावण की एकादशी के तुरंत बाद 3 राशियों के ऊपर भगवान भोलेनाथ की विशेष रूप से कृपा होने जा रही है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी उनके ऊपर विशेष मेहरबान भी होंगे। तो जान लेते हैं इस वीडियो में कि आखिर कामिका एकादशी के पूजा के क्या विधि है, शुभ मुहूर्त क्या है और किस तरह से भगवान विष्णु जी और भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। दोस्तों सभी जानकारी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं, ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी लोगों को मिल सके। दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है ना, उसको कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। पूरे साल भर में 24 एकादशी आती है, उसमें से कुछ कुछ एकादशियां ऐसी होती है जिनका विशेष महत्व होता है, जैसे कि देव उठने एकादशी, निर्जला एकादशी, कामिका एकादशी। इस तरह से दोस्तों एकादशी का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस बार कामिका एकादशी 13 जुलाई 2023 के दिन पड़ रही है। यह चातुर्मास की पहली एकादशी है, जिसके अंतर्गत भगवान विष्णु जी 4 महीने के लिए योग निद्रा में है, और सावन के पवित्र महीने की सबसे पहली एकादशी भी है। चलिए जान लेते हैं मित्रों कामिका एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में। धार्मिक मान्यता के अनुसार कामिका एकादशी का अगर कोई भी व्रत करता है ना, तो भगवान विष्णु जी उनके ऊपर विशेष रूप से कृपा बरसाते हैं, और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से उनके सभी कार्य सिद्ध होते हैं, घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। और कामिका एकादशी के दिन दान पुण्य करने का भी विशेष रूप से महत्व होता है। सावन की इस एकादशी के दिन जो भी दान पुण्य किया जाता है ना, उसका 100 गुना तक फल प्राप्त होता है। चलिए जान लेते हैं कामिका एकादशी की पूजा की विधि के बारे में, और उसके बाद जानेंगे मित्रों कौन कौन सी राशियां एकदम से भाग्यशाली होने जा रही है। सबसे पहले तो आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है, और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है, तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल, दुने, डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है, और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों जब भी मैं ये दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है, मैं रोने लगता हूँ। मित्रों हमारी टीम के द्वारा इस बार एक महासंकल्प लिया गया है कि सावन के महीने की जो सबसे पहली और पवित्र एकादशी आ रही है ना, श्रावणी एकादशी, उस दिन एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाया जाएगा, और उसको जगह जगह घुमाकर जहां कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहां पर ट्रैक्टर को घुमा घुमाकर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। और मित्रों हमारे इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101 या 501 रुपए या 1100 रुपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिएगा। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी गौ माता को 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन या 15 दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है, और बदले में जो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और धन के देवता भगवान कुबेर देव के साथ ही भगवान भोलेनाथ जी का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई 1000 गुना लूट कर आएगा, और यही कटु सत्य है। मित्रों श्रावण के महीने की सबसे पहली जो एकादशी है ना, कामिका एकादशी, वो 13 जुलाई के दिन आ रही है, और ये चतुर्मास की सबसे पहली एकादशी भी है। इस दौरान भगवान विष्णु जी 4 महीने के लिए क्षीर सागर में विश्राम कर रहे हैं। माना जाता है कि चतुर्मास की जो एकादशी होती है ना, उस दिन श्री हरि भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है ना, तो उससे समस्त विपत्तियां दूर हो जाती है, आपको पापों से मुक्ति मिलती है। इस बार कामिका एकादशी पर शुभ संयोग भी बन रहा है, जो कि कई राशियों के भाग्य के दरवाजे एकदम से खोलने जा रहा है।
जो भी व्यक्ति कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव शंकर की पूजा अर्चना करते हैं ना, उन लोगों को सुख समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है और अंत में उनको मोक्ष की प्राप्ति भी होती है और साथ ही वो भगवान विष्णु जी के निवास स्थान वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। चलिए जान लेते हैं भगवान विष्णु जी की पूजा की विधि के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको सुबह सुबह 13 जुलाई के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब ये होता है कि 5:30 बजे से पहले पहले उठना है और नहा धोकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होना है। एक चीज ध्यान रखें, कामिका एकादशी वाले दिन नहाते समय विशेष रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा कि साबुन या फिर बॉडी वॉश है ना, इसका कोई भी उपयोग नहीं करना चाहिए। सात्विक ढंग से आपको नहाना चाहिए और उसके बाद मन में पूजा का या व्रत का संकल्प लेना है और आपके घर में जहाँ कहीं भी मंदिर है ना, जहाँ पर आप भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, वहाँ पर आपको नहाने के तुरंत बाद दीप प्रज्वलित कर लेना है भगवान विष्णु जी और देवी माता लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए। उसके बाद में दीपक जलाएं और भगवान जी को सुंदर फूल वस्त्र और आभूषण से सजाना चाहिए। भगवान विष्णु जी को मिठाई, पंचामृत और तुलसी दल चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी दल चढ़ाए बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। हालांकि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित होता है, इसलिए बेहतर होगा कि आप एकादशी के एक दिन पहले ही पत्ते तोड़कर उनको ठंडे पानी में रख दें। एकादशी वाले दिन चावल का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। शाम के समय भगवान जी की पूजा करें और एकादशी का पाठ करें, कथा सुने और दोस्तों मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। और उसके बाद आपको आसपास जहां कहीं भी शिव मंदिर है ना, वहां पर जाना चाहिए और एकादशी वाले दिन श्रावण के महीने में भगवान शिव शंकर को जल जरूर अर्पित करें। चलिए जान लेते हैं मित्रों, कामिका एकादशी के बाद 3 जो भाग्यशाली राशियां बनने जा रही है ना, उसमें सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि की अगर अपन बात करें, उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। तो वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नव ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कि आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं। उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है, इसके लिए 251 रुपए की फीस देनी होती है। ऐसे में आप फालतू फोन करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको नौकरी में सफलता नहीं मिल रही है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, या घर परिवार में लगातार गृह कलेश या लड़ाई झगड़ा बना रहता है। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की फीस देकर आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं मित्रों, श्रावण की पहली एकादशी के बाद जो अद्भुत महालक्ष्मी नारायण योग बन रहा है ना, उससे सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का की कु बड़ा ग छ के को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। दोस्तों कामिका एकादशी के तुरंत बाद यानी कि 13 जुलाई के बाद से ही मिथुन राशि वालों का भाग्य उदय होने जा रहा है। समय पूरी तरीके से आपके फेवर में होगा। आर्थिक क्षेत्र की जो परेशानियां चल रही थी, धन संपत्ति रुपए कर्जे संबंधित अगर कोई भी दिक्कत थी ना, तो वो दूर होगी, आपके रुके हुए काम पूरे होंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और जिसका आपको अपने व्यापार में भी जबरदस्त रूप से असर देखने को मिलेगा। अगर आप कोई भी नौकरी करते हैं या कहीं पर जॉब करते हैं, तो इस साल 2023 में 13 जुलाई के बाद से ही आपको अपनी नौकरी में तरक्की देखने को मिलेगी, आपका भाग्य उदय होगा और इस साल आपका प्रमोशन होना लगभग निश्चित हो रहा है। चलिए अगली जो भाग्यशाली राशि बन रही है ना, वो आती है कन्या राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर टो पा पी पू ठ पे और पो से शुरू होता है, उनकी कन्या राशि होती है। दोस्तों कन्या राशि वाले लोगों के लिए कामिका एकादशी के तुरंत बाद उनका भाग्य उदय होगा और समय परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल रहेगी। इस अवधि में आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और कारोबार में सुधार के मौके भी मिलेंगे।
मिलेगी। इस दौरान नौकरी चाहने वाले लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। अगर आप बहुत दिनों से किसी अच्छी नौकरी की या करियर से जुड़ी कोई भी समस्या से जूझ रहे थे ना, तो वो श्रावण के महीने में दूर होगी और आपको मनपसंद नौकरी में सफलता भी हासिल होगी। चलिए अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि रहती है ना, वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो जा जी खी खू खे खो गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। दोस्तों 13 जुलाई के बाद यानी कि एकादशी के तुरंत बाद से ही मकर राशि वाले लोगों के लिए भी समय बहुत ही अच्छा और शुभ साबित होगा। आपको अपने पैतृक व्यवसाय में सफलता मिलने की संभावना है और दाम्पत्य जीवन में जो भी कड़वाहट चल रही थी ना, वो दूर होगी। कानूनी मामलों में सफलता मिल सकती है। आपके ऊपर अगर कोई भी कोर्ट केस वगैरह चल रहा है ना, तो उसमें लगभग आपकी जीत निश्चित मानी जा रही है। धन का लाभ होगा और कर्ज से भी आपको धीरे धीरे छुटकारा मिलेगा। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री वासुदेवाय नमः मित्रों।